हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉररलैंड। तो मैं आज रॉन्गटन सीरीज के पार्ट 4 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स है, अब वहां पर जाकर इनके पहले के पार्ट्स को भी देख सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पार्ट 4 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं से इन सब म्यूटेंट्स की शुरुआत होती है। लेकिन आप सबको इस पार्ट को देखने से पहले बाकी के पहले पार्ट को देखना ज़रूरी है, तो आप पहले उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। वार्निंग, वेलकम टू हॉररलैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मूवी की स्टार्टिंग में हम वेस्ट वर्जीनिया के ही एक हॉस्पिटल को देखते हैं, जो कि डिफॉर्म लोगों के ट्रीटमेंट के लिए बनाया गया था। और वहीं पर हम डॉक्टर ब्रैंडन को भी देखते हैं, जो कि डॉक्टर एन को उस हॉस्पिटल के डिफॉर्म पेशेंट दिखा रहे थे कि तभी उनमें से एक पेशेंट एन के बालों को पकड़कर अपने केज के अंदर खींचने लगता है। और तभी डॉक्टर ब्रैंडन सही समय पर आकर उसे बचा लेता है। लेकिन यहाँ पर वो पेशेंट डॉक्टर एन के बालों का हेयर पिन चुपके से निकाल लेता है, जिसके बाद में हम देखते हैं कि डॉक्टर ब्रैंडन उस हॉस्पिटल के सबसे खतरनाक डिफॉर्म्ड कैनिबल से डॉक्टर एन को मिलवाने जाते हैं, जो कि तीन भाई थे और उनके नाम थे वन आई, सॉ टूथ और थ्री फिंगर। और उनमें से थ्री फिंगर का नाम इसलिए थ्री फिंगर पड़ा क्योंकि उसने अपने हाथों की दो उंगलियों को ही आधा खा लिया था। और उन्हें देखकर डॉक्टर एन पूछती हैं कि क्या इन्हें दर्द महसूस नहीं होता है, जिसके जवाब में डॉक्टर ब्रैंडन बताते हैं कि इन म्यूटेंट्स में नेचुरल एनेस्थीसिया है, जिस वजह से इन्हें दर्द का एहसास नहीं होता है। अब वे दोनों वहां से चले जाते हैं और हम उसी पेशेंट को देखते हैं जो कि डॉक्टर एन की हेयर पिन की मदद से अपने पिंजरे को खोलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो थ्री ब्रदर्स उससे वो हेयर पिन मांगते हैं और वो उन्हें वो हेयर पिन दे देता है। इसके बाद वो तीन भाई अपने केज को खोलकर बाहर आ जाते हैं और वो तीनों वहाँ के सारे जेल्स को खोल देते हैं और सभी मेंटल पेशेंट भाग जाते हैं। इन सब के दौरान वहाँ के सर्विलांस रूम में बैठे हुए सिक्योरिटी गार्ड को हलचल महसूस होती है और वो चेक करने बाहर जाता है कि तभी वो तीनों भाई उसे पकड़ लेते हैं और सॉटूथ उसका गले को काट कर पूरा मांस भी बाहर निकाल लेता है और थ्री फिंगर उसकी आंख निकालकर खा लेता है। फिर हम उस हॉस्पिटल का एक भयानक सीन देख पाते हैं, जहाँ पर सारे साइको पेशेंट एक दूसरे को मार रहे थे और वो तीनों भाई डॉक्टर एन को पकड़कर एक बेड पर बांध देते हैं और उसे हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक शॉक तब तक देते हैं जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती है और उस वजह से उसकी पेशाब भी निकल जाती है। फिर वो उसे मारने के बाद में डॉक्टर ब्रैंड को भी पकड़ लेते हैं और एक चेन से बांधकर मशीन की हेल्प से उसके हाथों और पैरों को बड़ी बेदर्दी से उखाड़ देते हैं और सीन यहीं पर कट होता है। फिर हमें 29 सालों के बाद का समय दिखाया जाता है, जहां पर कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स जिनके नाम विंसिन, केनिया, जेना, लॉरेन, बॉटर, क्लेयर, काइली, डैनियल और सेरा थे, जिनमें विंसिन और जेना कपल थे और सेरा और केनिया लेस्बियंस थे। ये सभी यहाँ पर स्नोफॉल को एंजॉय करने के लिए वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में आए हुए थे। दिन में वे अपनी स्नोबोर्ड से काफी एंजॉय करते हैं, लेकिन दिन ढलते ढलते वहां पर बर्फ का तूफान आ जाता है और इसीलिए वो शेल्टर की तलाश में पास ही में बने एक सेनिटोरियम में चले जाते हैं। और ये सेनिटोरियम वही था जो कि मूवी की स्टार्टिंग वाला हॉस्पिटल होता है, जिसमें वो तीन भाई रहा करते थे। उस हॉस्पिटल के अंदर जाने के बाद वो सभी उसे एक्सप्लोर करते हैं और वहां पर सर्च करने पर उन्हें ये जगह रात को बिताने के लिए सेफ लगती है, जिसके बाद में वो वहां पर आग जलाकर बातें करते हैं। और तभी उनमें से जेना, केना और विंसिन जनरेटर को ऑन करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर विंसिन उनके साथ में एक प्रैंक करता है, जिस वजह से वो लड़कियाँ काफी ज्यादा डर जाती है। और यहीं पर हम उनके पीछे एक म्यूटेंट्स को देख पाते हैं। अब ढूंढते ढूंढते उन्हें जनरेटर रूम मिल जाता है, जिससे विंसिन ऑन कर देता है। और अब लाइट आ जाने पर वो सभी उस हॉस्पिटल में पार्टी करते हैं और उसे एक्सप्लोर करते करते उन्हें कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग मिलती है, जिससे वो समझ जाते हैं कि ये हॉस्पिटल डिफॉर्म्ड लोगों के ट्रीटमेंट के लिए बहुत साल पहले बनाया गया था। और उसी दौरान हम उन थ्री ब्रदर को देख पाते हैं, जो कि किसी की डेड बॉडी को लेकर हॉस्पिटल के अंदर आ रहे थे। फिर हम उन सभी फ्रेंड्स को एक प्रोजेक्टर रूम में देखते हैं, जहाँ पर रखी हुई एक डीवीडी को डेनियल प्ले कर देता है। और इस डीवीडी में उन डिफॉर्म्ड कैनिबल्स पर किए जा रहे टॉर्चर को कैप्चर किया गया था, जिसे देखकर लॉरेन उन्हें बताती है कि ये कैनिबल्स बहुत ही खतरनाक होते हैं और इंसानों का शिकार करके वे उन्हें खा जाते हैं। लेकिन उसकी इस बात का यकीन कोई नहीं करता और सभी रात को गुजारने के लिए अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन विंसिन को वहां पर नींद नहीं आती है और बाहर वॉक करने के लिए जाता है, जहां पर वो अपने सामने बॉर्डर को मरा हुआ पाता है
वो कुछ समझ पाता उससे पहले एक म्यूटेंट एक रॉड को उसके सर में घुसाकर उसे मार डालता है। सीन कट होता है और अगली सुबह हम उन सबको देख पाते हैं जहाँ पर जेना विंसेंट को ढूंढती है, लेकिन किसी को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता था। और वो नोटिस करती है कि उनका सामान भी गायब हो चुका है, जिससे उन्हें लगता है कि विंसेंट इस बार भी उन सबके साथ में कोई प्रैंक कर रहा है। और फिर वो सभी विंसेंट को अलग अलग डायरेक्शन में ढूंढने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कुछ लोग बेसमेंट में जाते हैं जहाँ पर उन्हें काफी सारे शार्प हथियार मिलते हैं, जिसकी वजह से वो सोच में पड़ गए थे। ढूंढते ढूंढते फिर उन्हें एक शीशे पर ब्लड लगा हुआ दिखाई देता है, जिसके बाद वो सब समझ जाते हैं कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। वहीं पर दूसरी तरफ हम जेना को देखते हैं जो कि एक किचन तक पहुँच गई थी और वहीं पर वो सॉ टूथ को बॉटल की बॉडी के पीसेस करते हुए देखती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। और तभी वहाँ पर थ्री फिंगर भी आ जाता है और वो अपनी लैंग्वेज में कुछ बातें करते हैं और मौका पाकर जेना वहाँ से भाग जाती है और अपने फ्रेंड्स को पूरे इंसिडेंट के बारे में बताती है। और तभी अचानक से वहाँ पर एक जैकेट आकर गिरती है, जिसे देखकर कीना उन सबको बताती है कि ये जैकेट बॉटर की है। और फिर वो उसे खोलने के लिए आगे बढ़ती है और उसमें से उन्हें बॉटर का कटा हुआ सर दिखता है, जिसे देखकर वे सभी डर की वजह से चिल्लाने लगते हैं। और तभी ऊपर से वो तीनों भाई क्लेयर को अपनी चेन में फंसा लेते हैं और उसे उस नुकीली चैन से ऊपर खींच देते हैं, जिसे बचाने के लिए काइली जाता है, लेकिन वो क्लेयर की जान नहीं बचा पाता है और उसके ब्लड से काइली का पूरा फेस खून से सन जाता है। फिर ज्यादा प्रेशर की वजह से क्लेयर का सर धड़ से अलग होकर बहुत ही बुरी तरीके से जमीन पर गिर जाता है। और तब वे सभी फ्रेंड्स अपनी जान को बचाने के लिए वहां से भागते हैं और बाहर आ जाते हैं, लेकिन उनका सामान पहले गायब था, जिस वजह से उनके पास में गर्म कपड़े नहीं थे जो उन्हें इतनी खतरनाक ठंड से बचा सके। और यहाँ पर लॉरेन जो कि एक स्की चैंपियन था, उन्हें बताती है कि वो यहाँ से अकेले हेल्प लेने के लिए आगे जाएगी। और दूसरी तरफ वो सभी अपने अपने जान बचाने के लिए दोबारा से उसी हॉस्पिटल में जाकर खुद को एक रूम में लॉक कर लेते हैं। फिर वे डिसाइड करते हैं कि बेसमेंट में जहाँ पर उन्होंने कुछ शार्प चाकू को देखा था उन्हें लेकर आएंगे अपनी सेफ्टी के लिए। और उसे लेने के लिए सेरा, डेनियल और काइली जाते हैं, जहाँ पर रास्ते में उनके पीछे पीछे थ्री फिंगर पड़ जाता है, लेकिन वो उससे छुप कर बच जाते हैं और बेसमेंट में रखे हुए वेपन्स को अपने साथ में ले जाने लगते हैं। तभी दूसरी तरफ हम उन सब लड़कियों को देखते हैं जहाँ पर कोई डोर पर नॉक करता है, जिसे देखकर उन्हें लगता है कि बाहर उन्हीं का कोई फ्रेंड है, लेकिन अचानक से वन आई एक चेनसो से उन पर अटैक करके एक लड़की को पकड़ लेता है। पर दूसरी लड़की उसके हाथों पर बार बार एक चाकू से स्टेप करके अपने फ्रेंड को फ्री करवा लेती है। फिर वन आई वहां से चला जाता है और कुछ ही टाइम के बाद में काइली और सेरा वहां पर जाते हैं, लेकिन वो नोटिस करते हैं कि उनके साथ में डेनियल वापस नहीं आया है, क्योंकि दरअसल डेनियल को सॉ टूथ पकड़ लेता है। और हम उन तीनों भाई को डेनियल के साथ में बहुत ही बुरा टॉर्चर करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो उसकी बॉडी के पार्ट्स को धीरे धीरे काट कर उसे तेल में फ्राई कर खा रहे होते हैं। फिर डेनियल की चीख सुन के वे सभी उसकी हेल्प करने का डिसाइड करते हैं और वे उन तीनों भाई पर एक ट्रैप बनाते हुए अटैक कर देते हैं, जिसमें वो कामयाब होकर उन सभी म्यूटेंट्स को एक केज में लॉक कर देते हैं, जहाँ पर काइली उन सभी को मारने के लिए उन पर पेट्रोल डालता है, लेकिन कीना उसे ऐसा करने से रोक देती है, क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि ये लोग दरिंदे हैं जो कि लोगों को मारकर खाते हैं, लेकिन हम इंसान हैं और इस तरह किसी को जलाकर मार देना अच्छी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर सभी केन्या का विरोध करते हैं और उसके काफी इंसिस्ट करने पर काइली उन म्यूटेंट्स को नहीं मारता है। तो दोस्तों, अब मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि अगर केन्या की जगह आप होते तो इस सिचुएशन में क्या आप उन म्यूटेंट्स को मारते या ऐसे छोड़ देते, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अब आते हैं वीडियो पर। वो डिसाइड करते हैं कि काइली यहाँ पर उन ब्रदर्स पर नजर रखेगा। फिर काफी रात हो जाने की वजह से बाकी सभी एक रूम में सोने जाते हैं। और तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि थ्री फिंगर को उस केज में वही डॉक्टर एन का हेयरपिन मिल जाता है, जिसकी मदद से वो आज से 29 साल पहले इस पिंजरे से बाहर आए थे। वो दोबारा 29 साल के बाद में थ्री फिंगर उसी पिन की मदद से उस केज को खोल देता है, जिसके बाद में वो सभी बाहर आकर काइली को पकड़ लेते हैं। फिर हम अगले सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर केन्या काइली को देखने के लिए उसी केज के पास जाती है और वहाँ पर उसे काइली नहीं मिलता है। वो देखती है कि वो म्यूटेंट्स भी अपने पिंजरे में नहीं है, जिससे कि वो बहुत डर जाती है और सभी को बताती है कि तभी उनके दरवाजे पर कोई आता है, जिससे वो म्यूटेंट समझकर उस पर चाकू से बहुत बुरी तरीके से स्टेप करके उसे मार डालती है। और जब वो उसका फेस देखती है
तो वो और कोई नहीं बल्कि काइली था, और उसकी जुबान उन म्यूटेंट्स ने काट दी थी, और असल में ये उन म्यूटेंट्स की चाल थी उन सबको बाहर निकलवाने के लिए। फिर वो सभी म्यूटेंट्स किलर अपने अपने वेपन के साथ में उन्हें मारने के लिए उनके पीछे पड़ जाते हैं, और वो लड़के भागते भागते एक रूम तक पहुंच जाती हैं जहां पर उनका सामान रखा हुआ था, और वो सभी वहां से अपनी जैकेट्स पहन लेती है। लेकिन बाहर जाने के सभी रास्ते बंद थे। वे लोग एक कमजोर दीवार से खुदाई करते हुए एक सुरंग बना लेती हैं और एक एक करके और बाहर निकलने लगते हैं कि तभी सॉटूथ उस रूम का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और जेना के पेट में चेनसो को घुसाकर उसे मार डालता है। फिर वो बची हुई लड़कियों के पीछे भी स्नोबोर्ड से पड़ जाता है, जिसमें कि वो एक लड़की के ऊपर उस स्नोबोर्ड को चलाकर उसे बहुत ही बुरी तरीके से मार डालता है। अब दूसरी तरफ हमें लॉरेन दिखाई जाती है जो कि ठंड की वजह से मारी गई थी, और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि वो सड़क से बस कुछ ही दूरी पर थी। लेकिन अफसोस वो तूफान की वजह से उस रोड को नहीं देख पाती है और बहुत ठंड लगने की वजह से वो मारी जाती है। अब हम सेरा और केन्या को देखते हैं जो कि एक प्लान के मुताबिक वन आई को मारकर उसकी स्नो बोट लेकर बहुत दूर निकल आती है, लेकिन वहां पर उन्हें उन म्यूटेंट्स के द्वारा लगाया हुआ एक ट्रैप दिखाई नहीं देता है, और उसी वजह से उनका सर नुकीली चेन से टकराने की वजह से अपने धड़ से अलग हो जाता है और हवा में उड़ता हुआ दिखाई देता है। और फिर थ्री फिंगर यहाँ पर आकर उस सर को अपने साथ में ले जाता है, और ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये रॉन्गटन सीरीज का फोर्थ पार्ट है, और इसमें बताया गया है कि असल में ये म्यूटेंट्स तीन भाई थे जिनके नाम थे थ्री फिंगर, वन आई और सॉटूथ। ये तीनों एक डिफॉर्म फैमिली से आते हैं, और इसी वजह से उन्हें इस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था जहाँ पर डिफॉर्म लोगों का ट्रीटमेंट होता है। लेकिन ये इतने ज्यादा खतरनाक थे कि इन्होंने यहाँ के डॉक्टर्स को ही मार दिया, और तब से लेकर अभी तक इन्होंने न जाने कितने लोगों को मारकर खाया होगा। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आपने जितने भी रॉन्गटन सीरीज के पार्ट देखे वो इसी कहानी के बाद से आगे बढ़ते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि जल्दी ही इसका अगला पार्ट भी आने वाला है।